नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह, आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। आइए मेरे साथ देखते हैं और आपका किरदार जानना चाहेंगे और कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से। चकलसपुर से जी, मेरा नाम पद्मजा रॉय है और मेरे कैरेक्टर का नाम गुंजा है और ये मेरी पहली फिल्म है और ये फिल्म मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, मुझे इस फिल्म में यूनिक ये लगी कि वो मतलब कि प्रधानमंत्री से इंस्पायर होके वो बंदा चिट्ठी लिखता है और प्रधानमंत्री उस गांव में आते हैं, तो ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी भी गांव में अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो उस गांव की विकास ऑटोमेटिक हो जाती है। आपका किरदार? हाँ, मेरा किरदार गुंजा का है। गुंजा एक ऐसी लड़की है जो मतलब मेंटली स्ट्रांग है, पावरफुल है और सपोर्टिव है, और जो चंपा है उसको मतलब वो किसी से प्यार करती है तो सपोर्ट करती है, चेंज को एक्सेप्ट करती है। मैं चकलसपुर में बिल्लू का कैरेक्टर जो है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। खासतौर से मैं अगर बताऊँ कि बिल्लू मेरे से बहुत करीब है क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, वो आज के समय में चकलसपुर ही है। ये जैसे बताया गया कि यूपी और बिहार का बॉर्डर है जो चकलसपुर जहाँ पे बसा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये गांव सिर्फ यूपी या बिहार के बॉर्डर पे है, ये कहीं भी हो सकता है। ये एमपी में दो जिलों के बीच में हो सकता है, जो जैसे मेरा है जो दो जिलों के बीच में पड़ता है और वहाँ पे अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। आप बोलेंगे कि नहीं सर, आज तो सारे गाँव में विकास हो रहा है, हमारे लाइट में भी कुछ दिन पहले ही पहुँची है। तो चकलसपुर हर जगह ही कहानी है, मतलब ये आसाम की कहानी है, साउथ में, कर्नाटक, हर जगह आपको चकलसपुर मिलेगा जहाँ विकास की भी ज़रूरत है। तो मैं बहुत करीब हूँ बिल्लू के भी क्योंकि मैं उस जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वो भी ऐसा ही लड़का है जो कि अपने गांव में कुछ करना चाहता है। अभी मैं भी इच्छा रखता हूँ कि मैं भी अपने गाँव में जाऊँ और कुछ करूँ। वहाँ से आज भी पलायन हो रहा है, लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो भी गांव हैं उन्हें कैसे भी कैसे करके बचाना चाहिए क्योंकि गांव टूट रहे हैं और चकलसपुर इस तरीके से बाकी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस फिल्म में आप। नमस्कार, मैं उर्मिला महंता, मैं इस फिल्म में चंपा का किरदार निभा रही हूँ। चकलसपुर जो फिल्म है, अभी हमारे निर्देशक जी ने कहा है कि गांव की कहानी है। मेरा मानना है चकलसपुर आवाम की, एक आम जनता की आवाज़ है। हमारे जो भारतवर्ष है वो कृषि प्रधान है, हमारा भारतवर्ष जो है गांव प्रधान है। चकलसपुर उन सारे गांव को रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐसी गांव है जो भारतवर्ष के सारे जितने पिछड़े हुए गाँव हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि हम बोलते हैं, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, राइट? तो अब इंडिया तभी डेवलप हो पाएगा, मेक इंडिया तभी सफल हो पाएंगे जब तक ये गांव, पिछड़े हुए गांव में जब तक वो ये नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएंगे, जब तक वो लोग निखर के ऊपर नहीं आएंगे, डेवलप होके नहीं आएंगे, तब तक भारतवर्ष विकसित नहीं हो पाएगा। ये एक मैसेज है। और ये फिल्म सिर्फ कृषक के ऊपर नहीं है, जो यूपी में जो एक बहुत दुखद घटनाएं हुई थी, महाराष्ट्र में जो हुई थी, जो कृषक लोगों ने आत्महत्याएं की थी, वो एक सब प्लॉट है, दैट इज़ नॉट द मेन प्लॉट। यहाँ पर रजनीश जी ने बहुत बारीकी से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण विषय को एक साथ लाने की कोशिश की है विदाउट हर्टिंग द मेन प्लॉट। उसमें हम कृषक देखेंगे, उसमें आपको हीरो हीरोइन का रोमांस देखेंगे, उसमें एक बंदा जो हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम शहर में आए हैं लेकिन हम अपने गांव को भूल जाते हैं। जो भारतवर्ष से मेट्रोज में नहीं बसे हैं, सिटीज़ में नहीं बसे हैं, और वहां के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि अभी भी ऐसे गाँव हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ हमारी नज़र जानी चाहिए, जहाँ हमें जाके विकास के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये है चकलसपुर। और मैं इसमें चंपा एक ऐसी लड़की है जो गाँव की एक चुलबुली सी लड़की है, जिसे भी प्रेम होता है लाइफ में, लेकिन शी इज़ वेरी बोल्ड इन इस सेंस, क्योंकि वो आज की इस समय की एक युवती है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि विकास का अर्थ क्या होता है, दर्द का अर्थ क्या होता है, जो सफोकेशन है, जो गांव के लोगों के जो दुर्भोग है, उसको जो निकालने के लिए हीरो जो बिल्लू प्रयास करता है उसमें वो सहयोग करती है।